लखनऊ से बड़ी खबर बता दें, रिकॉर्डेड मैसेज आने से लखनऊ वासियों में हड़कंप। मैसेज में राम मंदिर को लेकर बात की जा रही है, हिंदू राष्ट्र बनने से रोकने को लेकर कही गई है बात। समुदाय विशेष को भड़काने का मैसेज कई लोगों तक पहुंचा है। बता दें कि हिंदू राष्ट्र बनने से रोकने को लेकर एक रिकॉर्डेड मैसेज पहुंच रहा है लखनऊ वासियों के पास। समुदाय विशेष को भड़काने का मैसेज कई लोगों तक पहुंचा है। बता दें कि विदेशी नंबरों से ये रिकॉर्डेड मैसेज आ रहा है। पुलिस के आला अधिकारी मामले की जांच कर रहे हैं। बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां पर रिकॉर्डेड मैसेज आने से लखनऊ वासियों में हड़कंप मचा हुआ है। इस मैसेज में राम मंदिर को लेकर बात कही गई है, हिंदू राष्ट्र बनने से रोकने को लेकर बात कही गई है। बता दें कि इस मैसेज से जो समुदाय विशेष लोगों को भड़काने का एक मैसेज दिया गया है, लोगों को भड़काने की कोशिश की गई है, हिंदू राष्ट्र बनने से रोकने को लेकर बात कही गई है। समुदाय विशेष को भड़काने का ये मैसेज कई लोगों तक पहुंचा है। पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो जांच कर रहे हैं। और बता दें कि विदेशी नंबरों से ये रिकॉर्डेड मैसेज आ रहा है। फिलहाल पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो मामले की जांच कर रहे हैं। एक रिकॉर्डेड मैसेज लखनऊ वासियों के पास पहुंचा है, जिससे हड़कंप मच गया है। मैसेज में राम मंदिर को लेकर बात कही गई है, हिंदू राष्ट्र को बनने से रोकने की बात कही गई है। और जो आला अधिकारी है वो इसकी जांच कर रहे हैं कि आखिर ये मैसेज कहां से आया। समुदाय को, एक विशेष समुदाय को भड़काने का काम यहां पर किया गया है, हिंदू राष्ट्र बनने से रोकने को लेकर बात कही गई है। बता दें कि विदेशी नंबर से ये रिकॉर्डेड मैसेज फॉरवर्ड किया गया है। और फिलहाल पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो मामले की जांच कर रहे हैं। बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, इस वक्त की बड़ी और अहम खबर है, जहां पर रिकॉर्डेड मैसेज आने से लखनऊ वासियों में हड़कंप मच गया है। मैसेज में राम मंदिर को लेकर बात कही गई है, हिंदू राष्ट्र बनने से रोकने को लेकर बात कही गई है। एक विशेष समुदाय के लोगों को भड़काने का काम किया गया है इस मैसेज के द्वारा। बता दें कि विदेशी नंबर से ये मैसेज फॉरवर्ड हुआ है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है, पता लगाया जा रहा है कि आखिर ये मैसेज फॉरवर्ड कहां से हुआ है। और इस रिकॉर्डेड मैसेज में समुदाय विशेष को भड़काने का काम किया गया है, हिंदू राष्ट्र बनने से रोकने की बात कही गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से, रिकॉर्डेड मैसेज आने से लखनऊ वासियों में हड़कंप मचा हुआ है। बता दें कि मैसेज में राम मंदिर को लेकर बात कही गई है, हिंदू राष्ट्र बनने से रोकने को लेकर ये बात कही गई है। समुदाय विशेष को भड़काने का मैसेज कई लोगों तक पहुंचा है। बता दें कि हिंदू राष्ट्र बनने से रोकने को लेकर बात कही गई है। पुलिस के आला अधिकारी जांच में जुटे हैं। एक विदेशी नंबर से रिकॉर्डेड मैसेज फॉरवर्ड हो रहा है, जिसमें हिंदू राष्ट्र बनने से रोकने को लेकर बात कही गई है, राम मंदिर से जुड़ी बात कही गई है। किसी विदेशी नंबर से ये रिकॉर्डेड मैसेज फॉरवर्ड किया गया है। पुलिस के आला अधिकारी इस जांच में जुटे हैं कि आखिर ये मैसेज फॉरवर्ड कहां से किया गया है। रिकॉर्डेड मैसेज आने से लखनऊ वासी में हड़कंप मचा हुआ है। मैसेज में राम मंदिर को लेकर बात कही गई है, विशेष समुदाय के लोगों को भड़काने की बात कही गई है, हिंदू राष्ट्र बनने से रोकने को लेकर बात कही गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से, हिंदू राष्ट्र बनने से रोकने को लेकर एक फॉरवर्ड रिकॉर्डेड मैसेज था जो लखनऊ वासियों के पास पहुंचा है, जिसमें हिंदू राष्ट्र बनने से रोकने को लेकर बात कही गई है, राम मंदिर से जुड़ी बात कही गई है, समुदाय विशेष लोगों को भड़काने के लिए बात कही गई है। पुलिस के आला अधिकारी फिलहाल मामले की जांच कर रहे हैं। विदेशी नंबर से ये रिकॉर्डेड मैसेज फॉरवर्ड किया गया है। बता दें कि विदेशी नंबरों से ये रिकॉर्डेड मैसेज लोगों के पास पहुंच रहा है, लोगों में हड़कंप मचा हुआ है। हिंदू राष्ट्र बनने से रोकने को लेकर बात कही गई है, लोगों को भड़काने का काम किया जा रहा है। इस रिकॉर्डेड मैसेज जो फॉरवर्ड हुआ है विदेशी नंबर से, समुदाय विशेष के लोगों को भड़काने की बात कही गई है इस रिकॉर्डेड मैसेज में, हिंदू राष्ट्र बनने से रोकने को लेकर बात कही गई है। पुलिस के तमाम आला अधिकारी फिलहाल मामले की जांच कर रहे हैं। और
और इसी खबर पर हमारे साथ लखनऊ ब्यूरो राजवीर सिंह जुड़ चुके हैं। राजवीर, एक मैसेज फॉरवर्ड हो रहा है, रिकॉर्डेड मैसेज, जिसमें विशेष समुदाय के लोगों को भड़काने की बात कही जा रही है, क्या है पूरा मामला, सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे। बिल्कुल, देखिए, तमाम लोगों के पास अलग अलग देशों से फोन आ रहे हैं। अभी तक ये कंफर्म नहीं हो पाया है कि ये फोन दरअसल कहाँ से आ रहे हैं, लेकिन जो फोन कॉल्स में जो बात कही जा रही है बाबरी मस्जिद को लेकर कही जा रही है कि बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर बनवाया गया है, इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, प्रधानमंत्री को लेकर इसमें टीका टिप्पणी की जा रही है, तो जाहिर सी बात है अपने आप में ये बेहद गंभीर मामला है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर पुलिस के बड़े अधिकारियों के साथ बातचीत हुई है मेरी, इस पूरे मामले को लेकर कि क्या उनके पास भी कोई मैसेज आया है या ऐसी जानकारी आई है, तो पुलिस के जो आला अधिकारी है उनका कहना है कि इस तरह के कॉल्स आ रहे हैं, इसकी पूरी जानकारी की जा रही है। ये कॉल्स कहाँ से आ रहे हैं, कौन लोग हैं जो कॉल्स कर रहे हैं, इनके बारे में पता लगाया जा रहा है। लेकिन एक बात तो तय है कि ये कहीं ना कहीं जो दो समुदाय हैं उनको भड़काने की पूरी कोशिश की जा रही है, और इस पूरी कोशिश में जो आप देखिए तो इंटरनेशनली कुछ लोग हैं जो जुड़े हुए हैं, खासतौर पे आप जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इसके पीछे एक बड़ी साजिश हो सकती है, इस तरह का भी इनपुट है। हालांकि जांच के बाद ये साफ हो पाएगा कि कौन कौन से देश हैं जहां से ये फोन कॉल्स आ रहे हैं, और सिर्फ किसी एक व्यक्ति के पास ही नहीं, लगातार कई लोगों के पास फोन कॉल्स ये आए हैं और भी लगातार फोन कॉल्स ये आ रहे हैं, क्योंकि नंबर जब ये सर्च किया गया, नंबर के बारे में जानकारी की गई, तो ये नंबर विदेश के थे, यहाँ के नहीं थे, तो अभी ये थोड़ा जांच का विषय है कि ये फोन कॉल पाकिस्तान से आ रहे हैं। राजवीर जी, आपको रोकना चाहेंगे, सबसे पहले दर्शकों को वो ऑडियो सुना देते हैं जो वायरल हो रहा है। राष्ट्र बनाने की शुरुआत है, मेरी तमाम मुसलमान बहन भाइयों से अपील है कि आइए हम सब मिलकर 15 अगस्त को नरेंद्र मोदी को हिंदुस्तानी परचम लहराने से रोकें। हमें सिख बहन भाइयों से सबक सीखना चाहिए जो अपनी आजादी और अलग मुल्क खालिस्तान के कयाम के लिए रेफरेंडम 2020 कर रहे हैं। हमें भी हिंदुस्तान से मुसलमानों के लिए अलग मुल्क उर्दिस्तान बनाने के लिए काम करना चाहिए। अल्लाह हाफिज। जी राजवीर, हमने ये ऑडियो जो है वो दर्शकों को सुनाया, इसमें वो कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 15 अगस्त को परचम लहराने से रोकना चाहिए, कहीं ना कहीं दो समुदाय के लोगों को आपस में लड़वाने का काम कर रहा है ये ऑडियो। बिल्कुल, देखिए, ये दो समुदायों के बीच में आपस में लड़वाने का काम तो है ही, साथ ही साथ देखिए जिस तरह से पिछले दिनों एक भव्य आयोजन हुआ और इस भव्य आयोजन में राम मंदिर निर्माण का शिलान्यास किया गया, उसके बाद से ही इस तरह की कई घटनाएं, इस तरह के कई मामले आए। अब चाहे आप देखिए तो सोशल साइट पे भी इस तरह के कई मामले पोस्ट हुए, इस तरह की कई पोस्टें आई जिन्हें वायरल किया गया, जानबूझ के वायरल किया गया शरारती तत्वों द्वारा बाबरी मस्जिद को लेकर। और अब ये जो ऑडियो आया है जिसमें साफ साफ कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 15 अगस्त को जो झंडा लहराएंगे, परचम लहराएंगे, उसको लहराने से रोकना है, नए देश की मांग की बात की जा रही है, तो जो दो इसके पीछे का मकसद देखिए पूरी तरह से इस ऑडियो में भी साफ नजर आ रहा है कि जो दो समुदाय है वो आपस में कहीं ना कहीं आपस में उनका तालमेल ना रहे और इसका फायदा जो है वो विदेशी ताकतें हैं वो उठाएं। लेकिन अभी जिस तरह से मैंने बताया कि इस पूरे मामले को लेकर जो पुलिस के आला अधिकारी हैं, बड़े अधिकारी हैं, उनसे बातचीत हुई है और उनको उनकी भी जानकारी में ये सारी चीजें आई हैं। अब हालांकि ये जांच का विषय है कि ये कौन से लोग हैं, ये कौन कर रहा है या कहाँ से फोन कॉल्स आ रहे हैं, और इसका भी पता सबसे जल्द चल जाएगा, क्योंकि जो इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं वो काफी एक्टिव हो गई हैं फोन कॉल के बाद से। जी, ये दो समुदाय को लड़ाने का ये जो मैसेज है ये साफ पता चल रहा है कि दो समुदाय को लड़ाने का काम कर रहा है। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आगे आपसे और भी अपडेट लेते रहेंगे इस पर। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से, जहां पर एक ऑडियो है वो वायरल हो रहा है, वो लखनऊ के कुछ लोगों के पास पहुंचा है, जिसमें दो समुदाय के लोगों को आपस में लड़ाने का काम किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि हमें एक अलग ही मुल्क बनाना चाहिए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 15 अगस्त पर परचम लहराने से रोकना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये जो ऑडियो है वो दो समुदाय के लोगों को लड़ाने का काम कर रहा है, और अभी फिलहाल पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो इस पर जांच कर रहे हैं और पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ये ऑडियो वायरल कहां से हो रहा है। फिलहाल उस बुलेटिन में इतना ही, देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार।